हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, आपका रिवीजन चालू हो गया है, तो आज हम व्याकरण में रिवीजन करते हैं आपका वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में क्या होता है आपको पता है, बताया है आपको, इसका रिवीजन करवाया गया था कि स्वर और व्यंजन मिलके हमारे वर्णों की बगिया बनती है। वर्णों की बगिया क्या होती है, जिसमें अलग अलग वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। देखते हैं हम, देखिए स्वर और व्यंजन, पहले हम स्वर पढ़ेंगे उसके बाद व्यंजन, जो हमारे वर्णों की बगिया है। अब देखिए स्वर प्लस व्यंजन कि जब स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं तब क्या बनता है, बारहखड़ी। आपको स्वर ए आ ई, व्यंजन में क ख ग, और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है हमारा बारहखड़ी। जिसे क लिख दिया हमने, व्यंजन है कै, कह के हम स्वर में क्या करेंगे, आ के मात्रा लगा देंगे तो क्या बना, का। और वही व्यंजन जब क है उसके हम स्वर में छोटी की मात्रा लगा दें तो बनता है की, बड़ी की लगाएंगे तो की। तो ये होते स्वर और व्यंजन मिलकर बारहखड़ी। तो पढ़ते हमारा स्वर और व्यंजन, देखिए स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान। तो इससे पहले हम पहले स्वर और फिर व्यंजन का ज्ञान करते हैं ताकि आपको फिर बार खड़े आने लगे। देखिए सबसे पहले हमारा स्वर, अब स्वर कौन सा हमारे वर्णों की बगिया में, सबसे पहला स्वर है हमारा अ। ए जो हमारा स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आ, आ से आम, अ से अनार, आ से आम। फिर छोटी से इमली, ई बड़ी से ईक। फिर ऊ, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। छोटे ए से एडी, आई से ऐना। फिर ओ, छोटा ओ, ओ से ओखली। फिर औ, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। इसमें आ की ध्वनि भी आती है, आ जिसके ऊपर चंद्र बिंदु जैसा लगाता है, लेकिन बिंदु नहीं होता उसके अंदर, जैसे कॉलेज है, डॉक्टर है, उन पे हम वो लगाते हैं। तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों लर्न होने चाहिए अच्छे से, ये आपके एग्जाम में आएंगे। अब कैसे भी आ सकते हैं, मैं दे दूंगी छूटे हुए व्यंजन लिखिए या स्वर लिखिए पूरे या फिर व्यंजन लिखिए, तो इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से लर्न होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। फिर है हमारा व्यंजन, देखिए क से कबूतर, ख ख से खरगोश, ग ग से गमला, घ घ से घड़ी, अड़ बिल्कुल खाली। तो आप क ख ग घड़ च छ ज झ न ये अच्छे से लर्न करेंगे। मैं एक कह दे दूंगी, उसके आगे के व्यंजन आपको लिखने होंगे, छूटे व्यंजन कैसे भी हो सकते हैं ना, इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से लर्न करने हैं। फिर च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, अरे बिल्कुल खाली। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण बिल्कुल खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, भ से बकरी, भ से भालू, और म से मछली। फिर य र ल व, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन। स से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। फिर श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। और फिर आता है हमारा लास्ट में श से श्रमिक, जिसे हम श्री लिखते हैं। तो बच्चों आपको स्वर व्यंजन अच्छे से लर्न करना है, मैं इसकी वर्कशीट भेजूंगी आपको, आपको वो कंप्लीट करके मुझे उसकी पिक भेजनी है। थैंक यू स्टूडेंट।